ज्ञानम बहुत जवान नहीं खोल रहा है, जिस दिन जवान खोल देंगे जिले जिले में जो खुदक रहे हो खुदकना बंद हो जाएगा। मैं जानता हूं। पूर्व सांसद आनंद मोहन एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने औरंगाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने परिवारवाद और वंशवाद पर प्रहार करते हुए सत्ताधारी नेताओं पर खूब निशाना साधा। उनका कहना था, वंशवाद में लोग अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतानों को पैसा और पावर की बदौलत सत्ता पर थोप देते हैं। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आनंद मोहन ने खुद के संघर्षों की भी बात की, साथ ही उन्होंने अपने दादा और पिता को भी याद किया और अपने बेटे चेतन आनंद को। परिवारवाद है, अपने अकलोल बकलोल ढकलोल संतानों को सत्ता और पावर पहुंच के बल पर लोगों पर थोप देना, ये परिवारवाद है। लेकिन संघर्ष सत्य है। राणा सांगा लगा, उदय सिंह लड़े, कड़ी को आगे बढ़ाया महाराणा प्रताप ने, बिहार विभूति अनुग्रह बाबू लगे, सतेंद्र बाबू लक्ष्य कदम पर बढ़े और स्वर्ग को आगे बढ़ाए निखिल बाबू ने। यह है संघर्ष मार्ग। आनंद मोहन का दादा लड़ा अंग्रेजों से, राम बहादुर बाबू बाप लड़ा पद्मनाभ सिंह सचिदानंद से, और बेटा लड़ा आनंद मोहन, और आनंद मोहन का बेटा जब जेल में था तो उस विरासत को छीन के आगे बढ़ा चेतन आनंद, इसको संघर्ष कहा। आनंद मोहन ने अपने भाषण के दौरान कुछ ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया जो ठीक नहीं था, लेकिन राजनीति में गलत वक्त पर गलत जगह पर गलत शब्दों का इस्तेमाल करना कोई नई बात तो है नहीं। तो आनंद मोहन ने भी भरे मन से लोगों को सलाह दे डाली कि मर्द बनकर लड़ाई लड़े। साथ ही इन दिनों चल रहे विवादों पर आनंद मोहन का कहना था कि राजनीति में मतभिन्नता हो मगर मनभिन्नता का स्थान नहीं होना चाहिए।